फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। करियर लॉन्चर क्लासेस पर वेरी मच। मैं आज एक आवश्यक सूचना लेकर आया हूँ क्लास टेंथ और ट्वेल्थ क्लास के विद्यार्थियों के लिए। प्यारे बच्चे, सभी लोग जान रहे हैं, सभी लोग के पता है ट्वेल्थ क्लास और टेंथ क्लास के लिए कि आपका एग्जाम 1 तारीख से होने जा रहा है, 1 फरवरी से जो होने जा रहा है ट्वेल्थ क्लास का, जिसका काफ़ी नज़दीक टाइम सेट चुके हैं। मात्र आपका 2 दिन एग्जाम का टाइम बच रहा है। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पूरे एक वर्ष तैयारी ट्वेल्थ क्लास के किए हैं, बहुत अच्छे ढंग से तैयारी किए हैं, लेकिन आप लोग कि अंदर से लग रहा होगा और बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे थे कि सर इतना पढ़े, अब लास्ट एग्जाम के टाइम नज़दीक आया है तब मुझे पढ़ने में मन नहीं लग रहा सर, और कुछ उपाय बताइए सर, किस तरह से लिखने के तरीका सर, किस तरह से क्वेश्चन पढ़ने का तरीका सर, किस तरह से एग्जाम हॉल में जाएंगे तो अपने पूर्ण विश्वास के साथ कैसे क्वेश्चन को डील करें सर। तो वैसे विद्यार्थी के लिए आवश्यक सूचना लेकर आए हैं जो मात्र 10 पॉइंट में समाप्त कर देंगे। अगर वैसे विद्यार्थी जो एग्जाम से पहले भी डर रहे हैं या अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, कितना पढ़ने में ब्रिलियंट रहेंगे, अगर लिखने के तरीका और सोचने की शक्ति अगर आपके अंदर नहीं होगा, अपने आप पर पूर्ण विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए अंदर से आपको हौसला जगाने के लिए, अंदर से जुनून जगाने के लिए, आप लोग के अनुभव तरीका पूर्ण अनुभव के साथ, पूर्ण तरीका के साथ आप लोग के 10 पॉइंट लेकर आए हैं। अगर आप 10 पॉइंट अपने माइंड को एकत्रित करते हुए अगर देख लेते हैं और माइंड में सेटअप पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको पूर्ण जानकारी इस वीडियो में दिया जा रहा है, आपको लिखने के तरीका, आपको क्वेश्चन डील करने के तरीका, आपको सोचने के तरीका और समझने की तरीका इस 10 पॉइंट में आपको निचोड़ पॉइंट इस वीडियो में आपको मिलेगा। जो दूध से क्रीम निकाल दिया जाता है तो दूध में उतना पावर नहीं होता है दुधिया में जितना क्रीम में होता है। इसीलिए आप लोग के पूरा पॉइंट 10 पॉइंट पूरा एग्जाम की जितना तैयारी कर रहे हो, अब बोर्ड एग्जाम की तैयारी सरकार करवा रही है अपने स्टाफ टीचर लोग से, और बच्चे लोग के उस एग्जाम में जा करके अपने हौसले के साथ किस तरह से आपको एग्जाम देना है, एग्जाम हॉल में पूर्ण विश्वास के साथ बैठना है, जो पूर्ण रूप से इस वीडियो में लाया है ना। तो नजदीक आपको एग्जाम नजदीक काफी नजदीक सर चुके हैं, टाइम को बचाते हुए आप लोग के एक सारी 10 पॉइंट को आपको सीरियल वाइज नंबरिंग से दिखाते हुए और समझाते हुए आपको बढ़ेंगे, ठीक है। और आपका मित्र जो अगर ये 10 पॉइंट इस वीडियो के नहीं देखे होंगे तो अपना मित्र के पास वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ चुका है, एकदम काफ़ी नज़दीक सर चुका है। तो अपना मित्र के साथ ये बातें 10 पॉइंट शेयर कीजिए, या तो वीडियो शेयर कर दीजिए, या तो ये अपना मोबाइल से ही खोल करके उस बच्चे अपना बगल वाले मित्र अगर मोबाइल नहीं रखता तो इसके 10 पॉइंट को दिखा दीजिए, बता दीजिए, जिससे मात्र 2 दिन जो टाइम बच रहा है 30 और 31, इसमें लिखने के तरीका और सोचने और समझने और क्वेश्चन को सटीक जवाब देने के तरीका अगर उस बच्चे के पास अंदर आ जाता है एक ज्ञान, तो अच्छे से अच्छे अंक से सफल हो सकते हैं। लेकिन आप इस वीडियो के शेयर करना ना भूलें,
चले हम लोग शेरो शायरी से स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ और ट्वेल्थ क्लास के लिए। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है, सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद ही बनाना है। बच्चे ए शायरी से आपको समझ नहीं आ रहा होगा, एक कहने का तत्पर्य इस शेर शायरी के माध्यम से ए हम लोग के अर्थ निकल रहा है कि एग्जाम काफी नजदीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग के आगे बढ़ने की जरूरत है ना। अगर पूर्ण रूप से एग्जाम हॉल में हम लोग एग्जाम क्वेश्चन को डील कर पाएंगे नहीं निश्चित करेंगे, तब तो रिजल्ट ही आएगा हम लोग का ना। चलिए टाइम के बचाते हुए आपको इस शायरी को साइड किया जाता है और नोट पॉइंट पहला ला रहे हैं, आपको समझिएगा। चलिए यहां पे प्यारे बच्चे थोड़ा सा देखिएगा, वीडियो ने मेरा भी आना चाहिए लिखा हुआ मेरा शब्द, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए पढ़ लिए होंगे आपको, मुझे पता है कि आप पढ़ लिए होंगे। बोर्ड परीक्षा 2023 में अगर 460 प्लस अंक बोर्ड में लाना चाहते हैं या बोर्ड में चाहिए तो आप 100 पॉइंट पर पूर्ण रूप से अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए, पूर्ण रूप से ईमानदारी पूर्वक ग्रहण कीजिए। आप कितनों पढ़ लीजिएगा, कितनों पढ़ने में ब्रिलियंट है, अगर 10 पॉइंट पर अगर मात्र आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपको अंक तो आ गए हैं, लेकिन ये 10 पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आपको 460 पार कर जाएंगे। चलिए पहला पॉइंट, आपको 460 अंक बोर्ड में चाहिए तो जो बताएंगे उसी तरह से लिखना है बोर्ड में, बोर्ड कॉपी में, तो 460 अंक आना निश्चित, 460 अंक अवश्य आएंगे प्यारे बच्चे। चलिए ये तो स्टार वाली बातें थी, पहला पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप टॉपर से मिले, प्यारे बच्चे हमको हम लोग के पटना जिला में तो टॉपर बना ही नहीं, तो क्या वैशाली पूर्णिया ए हम लोग जाएंगे आप मिले, मात्र दो दिन टाइम बचा नहीं। ये तो पहली वाली बात है जो हम क्लासरूम में बोलते रहते थे कि मेरे बच्चा मेरे यहां से जो स्कूल टॉपर 453 अंक ला करके अच्छे अंक से सफल हुए हैं वैसे विद्यार्थी से बातचीत कीजिए। ए वीडियो में क्या हम बोलने जा रहे हैं, ये बात पूरे क्लासरूम में पूरे एक वर्ष बोले हैं कि जो बच्चे 453 अंक से सफल मेरे यहाँ हुए हैं उनसे जाकर के उनसे बातचीत कीजिए, उनको क्लासरूम में बुलाए थे, बात कुछ बच्चे प्रश्न किया था उनसे अनुभव लीजिए। क्या लिखा, सबसे पहले अपने टॉपर से मिले, जैसे मेरे यहाँ के कुछ विद्यार्थी स्कूल टॉपर हैं उनके कल मिला दिया जाएगा, उनसे अपना अनुभव कर लीजिए। बास बीघा हाई स्कूल टॉपर था है ना, बगल में रहने वाले छोटकी सिमाड़ी के बच्चा है ब्रजेश कुमार, उनसे मिल लीजिए, मिला दिया जाएगा कल, किस तरह से लिखे, किस तरह से पढ़े, किस तरह से समझे, क्यों अच्छे से अच्छे अंक लाया। वो बच्चा ये भी बोला था, एक वीडियो पिछला वीडियो डाले थे, बोला था कि क्लासरूम ने जितना नोट्स बच्चे के बनवा दिया जाता या जितना हम लोग के शिक्षकगण पढ़ा देते हैं उससे ज्यादा नहीं आता है, अगर उस पर फोकस करते रहे बच्चे, अगर उस पर पूर्ण विश्वास है तो उसी से आपको पूरा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ये बच्चा बोला था, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं खोल करके। तो सबसे पहले अपने टॉपर से मिले, इसका अगर वक्त नहीं है तो अगला पॉइंट हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, आगे आइए, वो बच्चा से कल मिला दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट आ रहा है जी, दूसरा पॉइंट पर ध्यान दीजिए, दूसरा पॉइंट आपको कह रहा है हॉल में जाने से पहले अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखें। प्यारे बच्चे जिस विद्यार्थी को अपने आप पर विश्वास नहीं रहेगा
तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। अगर जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं तो अपने आप पर भरोसा रखो, अपने आप से बातें करो कि जो हम कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता, जो हम कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। अगर अपने आप को नया हौसला बनाए रखोगे, आपको सभी काम एग्जाम किया जो लाइफ में जितना काम करोगे वो आपका अच्छा ही होगा। इसीलिए दूसरा पॉइंट लेकर आया है कि हॉल में जाने से पहले अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखें, किसी विद्यार्थी से तुलना ना करें कि हम पढ़ने में मैथ में बहुत वीक हैं तो मेरा साइंस बहुत कमजोर है तो मेरा हिंदी कमजोर है। तो कोई विद्यार्थी बोलता है अपना अपना तरीका से, कोई विद्यार्थी बोलता है कि मेरा बायोलॉजी का फिगर थोड़ा सा समझने नहीं आता है, लेकिन ये अब लास्ट में बोलने से कोई फायदा नहीं है। अपने आप पर पूर्ण विश्वास के साथ कहो कि मेरे दोस्त जो मेरा तैयारी है जो को शायद किसी विद्यार्थी का नहीं होगा, अगर अपने आप में विश्वास रखोगे एग्जाम निश्चित है कि आपको सही जाएगा। ठीक है, तो हॉल में जाने से पहले अपने आप पर पूर्ण विश्वास के साथ जाए। चलिए अगला पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर तीसरा आपको आ रहा है, इसमें स्टार लगा करके दिया गया है, बुआ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए, कह रहा है कि प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ लें, प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ लें, एक भी प्रश्न ना छोड़ें। प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ लें, एक भी प्रश्न को ना छोड़ें। इसके लिए 15 मिनट टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है, उसी में आप मैनेज करके पूरा पढ़ लें। अगर जो आता है पढ़ते जा रहे हैं, एक से मान लिया ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए शुरू किए 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 100, अब पहला पढ़े नहीं समझना है छोड़ दो, दूसरा पढ़े आ गया तो इसको टिक लगा लो, थोड़ा सा चिन्ह दो, ये हो आ गया, छठा नहीं आ रहा सर, जो आ रहा नहीं आ रहा छोड़ दो, जो आ रहा हल्का बूंदा का निशान लगा दो। अगर आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, पढ़ते जा रहे 30 प्रश्न का आंसर देखो और इसे टिक लगाना था तो चिन्ह दे दो, टोटल पढ़ लिए और 30-35 प्रश्न ऐसा मिला कि बिना डील के लिए ऑप्शन नहीं मिले, तो आप 30 गो को रंग लें। आज ये हल्का हल्का बुझा रहा था कि नहीं सर ये हम बना पाएंगे, तो उसको नहीं इंडिकेट कर दो कहाँ ये बन जाएगा, उसको डील कीजिए और बहुत कम समय में ऑप्शन ढूंढ करके अपना गोल को पूरा कीजिए, टाइम व्यतीत नहीं करना। कुछ विद्यार्थी करते हैं क्या कि तेज विद्यार्थी कुछ रहते हैं, वो पढ़ते जाते हैं बनाते जाते हैं, नहीं ज्यादा तेज गिरी गिनाना नहीं है, अपने सिस्टम से जो मैं श्री एके प्रताप बता रहा हूं इस नियम को पालन कीजिए, आपको अच्छे अंक आएंगे। करीब करीब 5 वर्षों का एक्सपीरियंस के साथ आप लोग के ये सजेशन देने जा रहा हूं। हमारे यहाँ कई करीब करीब 4 वर्षों से हमारे यहाँ रिजल्ट अच्छे रहे हैं, स्कूल टॉपर ही रहे हैं, कभी हाई स्कूल पघेड़ा तो कभी हाई स्कूल बीर, कभी हाई स्कूल बासबिगा, कभी हाई स्कूल बेटू से हमारे विद्यार्थी टॉपर लिस्ट में पहुंच चुके हैं। लेकिन मेरा सपना एक बार बिहार टॉप या 10th टॉप अपने बच्चे के एंट्री दिलवा दें, मेरा सपना साकार हो जाए, तो ये गोल का पूरा करें। ठीक है, तो आइए पॉइंट नंबर स्टार जो दिया गया पढ़ चुके हैं प्यारे विद्यार्थी। बोला गया कि सर पढ़कर लिखे या लिखकर पढ़े, आप ही सोचो, पढ़कर लिखे या लिखकर पढ़े, नहीं प्रश्न पत्र पूरा पढ़कर लिखे, प्रश्न पत्र पूरा पढ़कर लिखे। सर पढ़कर लिखे या लिखकर पढ़, लिखकर नहीं पढ़ना, पढ़कर लिखना। अगर आप टोटल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आपको माइंड सेटअप हो जाता है कि मेरा जवाब इतना को दे पाएगा, उतना के लाइन से जवाब दे लीजिए, इसके बाद आगे पढ़ पढ़ के आगे मान लिया जाए थोड़ा सा जो प्रश्न थोड़ा सा कठिन रहे उसको जवाब थोड़ा सा सोच सोच करके दीजिए। ठीक है,
प्रश्न पत्र पूरा पढ़कर लिखे, ये नहीं कि लिखते जाओ पढ़ते जाओ लिखते जाओ पढ़ते, एक गलत तरीका है। चलिए पॉइंट नंबर आपको टाइम से बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर पॉइंट ला रहे हैं आपका, ध्यान दीजिएगा। अब आइए, ओवर सीट काले बॉल पेन से ही भरे। सब लोग जानते हैं कई बार आपको सेट टेस्ट सीरीज में टेस्ट लिया गया था, ठीक है। तो काले बॉल पेन का ही प्रयोग इसलिए करें, लेकिन हम लोग के प्रश्न पत्र पर लिखा रहता है कि काले बॉल पेन या ब्लू नीले बॉल पेन का प्रयोग करें, ब्लू और काला। लेकिन बात यहाँ पे आता, काला पेन का इसलिए प्रयोग किया जाता है कि काले बॉल पेन हम लोग के जो मशीन है ओमर सीट, जो चेक करने वाले यंत्र होते हैं, मशीनें होते हैं, तकनीकी होते हैं, ये सारी काले बॉल पेन काले रंग को सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है, सबसे ज्यादा इससे मोहब्बत कहो, है ना, सबसे ज्यादा आकर्षित कलर है काला रंग। इसीलिए हम लोग को ओमर सीट को चेक करने वाला मशीन काले रंग को ज्यादा स्कैन करता है, इसलिए ओमर सीट खास करके काले बॉल पेन से ही रंगे। और रंगने के तरीका, कुछ विद्यार्थी दसवां पास कर गए, ट्वेल्थ क्लास में पहुंच गए, दो दिन बाद एग्जाम है, तब पर भी पूर्ण रूप से रंगने का तरीका मालूम नहीं। वैसे विद्यार्थी के आपको दिया गया है जी, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से नहीं रंगना, जैसे आपको डी नंबर है तो इस तरह से नहीं रंगना, इस सी नंबर जो आपको है ये ना कि आधा इसे रंग दे लिया, आधा बेगारी करके छोड़ दी। डी नंबर बी नंबर है, थोड़ा सा इसे वृत्तीय चाप के रूप में ऐसे ऐसे रंग दे, नहीं, आपको ए जो रंगा हुआ है ये नंबर, आपको रंगने के तरीका इस तरह से होना चाहिए। यहां से गोल उठाइए और चारों तरफ इस तरह से घुमाते हुए आगे बढ़ो, इस तरह से रंगना होना रंगा होना चाहिए। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे करते हैं, गोल मिला, ए सर ए तो ही होगा, ऐसे 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 रंग रहा, ए रंगिए गाना, कभी गैपिंग बीच बीच में है, ये पूरा होने वाला नहीं, टाइम भी ज्यादा लगेगा, लेकिन ऐसे रंगोगे ना थोड़ा भाग पड़ेगा ही, लेकिन लगेगा कि पूरे ज्ञान इंद्रियां हिल जाता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना, जब सटीक रंग आएगा, जब गोल रंग आएगा हम लोग के, तो मशीन स्कैन अच्छा से करेंगे तो रिजल्ट हम लोग पसंद आ रहा है। चलिए आगे देखिए पॉइंट नंबर पचवा, फाइव नंबर पॉइंट आपका आ रहा है जी, ध्यान दीजिएगा, गौर से ध्यान दीजिए क्या हम लोग के फाइव नंबर पॉइंट, देखिए देखिए आ गया पॉइंट नंबर फाइव, बोल रहे प्यारे बच्चे कि किताबी भाषा या मॉडल पेपर का हूबहू परिभाषा का प्रयोग ना करें। किताबी भाषा या मॉडल पेपर का हूबहू परिभाषा का प्रयोग ना करें। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि गेस पेपर मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक हूबहू रट जाते हैं, रट करके वही परिभाषा लिख देते हैं और एग्जाम देकर के आते हैं, खुश रहते हैं कि हम तो टोटल का जवाब दे दिए, लेकिन वैसे बच्चों के रिजल्ट दिन अच्छे अंक नहीं आते हैं और न खुश हो जाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन पेपर के ऊपर हेडलाइन में लिख दिया जाता है, बिहार सरकार लिख दिया देते हैं कि विद्यार्थीगण यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, दूसरे के शब्दों में उत्तर ना दें। इसीलिए मॉडल पेपर और किताबी परिभाषा का प्रयोग ना करें, इस पर विशेष ध्यान देना ही ना कि हूबहू छाप दिए, है ना जी। ऐसे कुछ विद्यार्थी क्लासरूम में टीचर शिक्षकगण पढ़ाते हैं तो 10 लाइन का आंसर है, क्वेश्चन का आंसर है तो 8 लाइन देता है, 2 लाइन आगे पीछे बोलता है, अपने आप ने कहता है हम तो गलत कर दिए, नहीं, पॉइंट सटीक होना चाहिए आपका परिभाषा, राइट, तो हूबहू परिभाषा का प्रयोग ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6, 7 एक साथ लाए। चलिए देखिएगा, यहाँ लिखा गया हुआ कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सटीक और सही उत्तर दे। जैसे कहावत है कि हंसो के ब्याह में खुरपी का गीत बच्चे लोग गा देते हैं, प्रश्न पूछ रहा है कुछ और,
उसका दे दिया आंसर कुछ और। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जैसे क्लासरूम नहीं पढ़ाते रहते हैं, अब बच्चे खड़ा करके सुनते हैं तो भुला गया, लेकिन कहता है कोई कि सिर्फ ताली सुना आगे वाले एक पॉइंट एक शब्द बोल दीजिए ना तो हम परिभाषा दें। और सच ने एक शब्द अगर बोल देते हैं आगे वाला ना तो वैसे विद्यार्थी पूरा परिभाषा पूर्ण रूप से दे देता है। लेकिन क्या एग्जाम हॉल में कोई बताने जाएगा या चपरासी वहां गार्डिंग करने वाला को पूछोगे कि एक क्लास शुरुआत में बोल दीजिए? नहीं, उसका पूर्ण रूप से याद करना है ना। और उसी समय जब माइंड में सोचते सोचते दूसरा क्वेश्चन का जवाब आगे थोड़ा सा एक पॉइंट आ जाता उसके लाइन से धर लिया दिमाग और उसको परिभाषा दे दिया। और परिभाषा देला के बाद में अगर ध्यान दिया था समझ ना आई तो गलत हो गया, ना तो निकाल दिया हम तो सही तरीका से जवाब दे दिए। वो इसीलिए उसको बोला गया कि हसुआ के बिहार खुरपी का गीत, सोच समझ कर रुक कर जवाब दीजिए। इसका अर्थ यह हुआ कि सोच समझ कर रुक कर जवाब दीजिए और सटीक जवाब दीजिए। यहाँ लघु तरी बोल रहा है तो 6 से 8 लाइन के बीच में अपना समाप्त कर दीजिए, हार्डली 8 लाइन। ये नहीं कुछ विद्यार्थी लघु तरी कि पूरा एक पेज भरने से क्या 2 नंबर का है, एक पेज भरने से 4 आपको 5 अंक दे देगा, उसका औकात ही नहीं है कि 2 अंक के जगह जो ये क्वेश्चन का औकात कहाँ से है कि 2 अंक के है या 4 अंक या 5 अंक मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए टाइम व्यतीत बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। अगर 5 अंक के क्वेश्चन है तो आपको करीब करीब 1 से 1.5 पेज ले जाइए ना, कहता है कि 250 से 300 शब्द के बीच में ले जाइए अच्छा रहेगा। ये नहीं कोकरो आ रहा है तो 3 पेज पहुंचा दिए और पता चला कि लास्ट में टाइम नहीं बचा था, क्वेश्चन छूट गया। ये सारी बातें पर ध्यान देना, चलिए सटीक आंसर देना ठीक है, एकदम गलत नहीं बल्कि सही तरीका से देना। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रहा है आपको, आपको पॉइंट नंबर 7 आ रहा है कि हैंड राइटिंग पर ध्यान देना। जो आपका लिखावट है, हाथ का राइटिंग है, अगर इस पर ध्यान नहीं दोगे ना तो आपका रिजल्ट रुक सकता है, अच्छा अंक से सफल नहीं होगा। इसीलिए आपको अच्छा अंक से सफल होना है तो हैंड राइटिंग पर आपका ध्यान बहुत अच्छा से देना होगा, है ना। हैंड राइटिंग जैसे कुछ बच्चे का होता है कि राइटिंग बैठता है लेकिन फास्ट लिखने की बजाय टाइम बचाने के चक्कर में पूरा ये पेज को बर्बाद कर देते हैं, अच्छा से नहीं लिख पाते हैं। लेकिन वैसे विद्यार्थी कम से कम 4 से 6 पेज अदम हैंड राइटिंग बैठा करके लिखिए। अगर लास्ट में थोड़ा सा लापरवाही थोड़ा सा रनिंग ने भी लिख लोगे ना, थोड़ा सा अच्छा राइटिंग ना भी बैठेगा, लेकिन एग्जामिनर के पास कॉपियां जाकर चेक करने वाले शिक्षक गण के पास अगर पहला पेज देखेगा एकदम सुंदर आकर्षक आकर्षक उसे मन को मोह लेगा, लगा कि सर उसको लगेगा बगल वाला अगर कोई चेक करते रहेगा कहेगा सर इस बच्चा का कॉपियां तो देखिए लगता है हम टाइप कर दिया, पहला पेज उलटेगा एकदम झकाझक रहेगा, दूसरा पेज भी राइटिंग के साथ एकदम झकाझक रहेगा, तीसरा पेज भी झकाझक एकदम नंबर देते जाएगा आपको 2 ने 2, 2 ने 2 ने 5 ने 5, 5 ने 5, छठा पेज तक 5 ने 5, 5 ने 5, 5 ने 5। अब माइंड अगर सेट कर लेगा 5 ने 5, 2 ने 2, सातवां पेज अगर थोड़ा सा रफ राइटिंग भी रहेगा तो क्या 2 ने 2, 5 ने 5 देते निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा? यस निकल जाएगा। इसीलिए 6 से 8 पेज तक एकदम बढ़िया से राइटिंग बैठा के लिखना। चलिए सातवां पॉइंट क्लियर हुआ कि हैंड राइटिंग पर ध्यान देना है और इसमें स्टार लगाया है पैराग्राफ पर ध्यान दें। अगर पैराग्राफ जहां से चेंज होना चाहिए, अगर आपको बनाते क्वेश्चन को लिखते लिखते अगर यहाँ पिंड होता है तो ये वाला लाइन छोड़ दीजिए, ये वाला लाइन छोड़ दीजिए, नीचे से प्रश्न नंबर या प्रश्नोत्तर कर करके अपना लिख करके और नीचे से इसका उत्तर देना शुरू कीजिए। ये नहीं कि लगे अगर यहाँ से क्वेश्चन समाप्त हुआ अगर 7वां नंबर तो यहीं से लिखना शुरू कर दिए, लग रहा है कि कॉपी नहीं लिखा बल्कि ढलैया कर दिया। अगर वैसे करोगे तो अच्छा अंक नहीं मिलेगा, पैराग्राफ पर विशेष रूप से भी ध्यान देना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, आपके पास टाइम भी कम है, काफी नजदीक एग्जाम का डेट सटने वाला है। चलिए अगला पॉइंट में शेर शायरी आ गया। चलिए ये भी हम लोग के समझना और हम लोग के मोटिवेशनल शायरी जो है सुनना जरूरी है। कहा गया है प्यारे बच्चे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कहने का अर्थ इस शेरशायरी के माध्यम से आपको हम कहना चाहते हैं कि अगर जिस दिन डर जाओगे उस दिन आप अपना लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। डरना नहीं है, लड़ना है। जिस तरह से दशरथ मांझी बोला था जब पहाड़ तोड़ रहा था, वो अपने पत्नी की यादगार में, जैसे जब मीडिया वाला जाता था बोलता था कि मजाक कर रहा, पहाड़ नहीं बल्कि तुमसे पत्थर नहीं टूटेगा, आई तू पहाड़ तोड़ देगा। 22 वर्षों तक संघर्ष करते रहे अग्नि अपने पत्नी फगुनिया के यादगार में। वो हमेशा यही बात बोलता था मीडिया वाला से कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यही आपका यही उसे जो दशरथ मांझी का जिद्दी था, इसी तरह से स्टूडेंट लोग की भी जिद्दी होगा, होना चाहिए कि जब तक मेरा पूर्ण रूप से सिलेबस की तैयारी होगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, रात भर पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग के टाइम काफी नजदीक सट चुका है, अपने आप पर पूर्ण रूप से विश्वास रखना है। चलिए आगे, फिर शायरी के साथ स्टार्ट हो रहा। चलिए, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपना तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपना तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा, और कल क्या होगा, और कल क्या होगा जो कभी नहीं सोचे, कल क्या होगा जो कभी नहीं